से मैं बताने वाला हूं, मतलब कैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को खरीदे बिना फेक की से रजिस्टर करके फुल वर्जन की तरह एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को सच में एंजॉय करते हैं तो वीडियो के एंड होने से पहले ही नीचे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर ऐसे ही डिफरेंट टेक्निक वाले वीडियोस की लगातार अपडेट चाहते हो तो रेड बटन पर हिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीखते हैं कैसे किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जाता है। इसके लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर को क्रैक करना है उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की नेट से निकालना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर अरोरा 3D एनिमेशन जो कि एक्सपायर हो चुका है, ये देखिए, योर 10 डे ट्रायल हैज एक्सपायर्ड, हैविंग फन प्लेइंग विद इट, सपोर्ट इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये तो रजिस्ट्री करना होगा या बाय नाउ या क्लोज, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यदि हम रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यदि हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेट पर उठा के ले जाएगा और हम यहाँ से खरीद नहीं पाएंगे। सॉफ्टवेयर काफी महंगे रहते हैं, ये देखिए इसका प्राइस आपको पे करना होगा तब जाके आप इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए। और तीसरा बटन है क्लोज, तो क्लोज करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा, आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेट से इसकी कोई भी की उठा लेते हैं, यहाँ टाइप करते हैं अरोरा 3D एनिमेशन की और एंटर करते हैं। यहाँ बहुत सारी साइट है, किसी भी वेबसाइट से आप इसकी की उठा लीजिए, देखते हैं मुझे कौन सी की मिलती है यहाँ से। ये देखिए ये वेबसाइट जो ओपन हुई है, नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, ये रहेगी ये जो की है, इस की को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये पूरी बहुत सारी की मिल गई है यहाँ पर, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें से सारी की यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपना नोटपैड ओपन करके इसमें पेस्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ अरोरा की के नाम से। इसको डेस्कटॉप पर ही रहने देते हैं और ये सेव। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका हम कैसे यूज करेंगे। जैसे ही आप ये की नेट से कॉपी कर लेते हैं उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को खोलिए जिसको आपको क्रैक करना है और यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कीजिए और जो भी डिटेल्स आपकी हैं आप यहाँ से फिल कर दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्री इन्फो सबसे पहले फिल करना है, ये आप यहाँ से रजिस्ट्री इन्फो जो भी है आपकी इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता हो, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अशोक। ईमेल आईडी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ ak@gmail.com। इसके बाद सीरियल नंबर की बात आती है, तो सीरियल नंबर आपको इस रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन के साथ अलग सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसके साथ अलग सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसके साथ अलग सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। फिलहाल तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रैक करना चाहेंगे उसकी सीरियल की उठाकर और फिल कर लीजिएगा इस तरीके से। और ये जो रजिस्टर की बटन है इस पे क्लिक करने से पहले अपने नेट को बंद कर दीजिएगा। अगर नेट चालू रहेगा तो वो नेट से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपका जो फेक की है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सीडेड, प्लीज रिस्टार्ट सॉफ्टवेयर, ये आ गया। आप और भी दूसरे सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे तो सबके साथ इसी तरीके से होगा, सारे सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएंगे। और दूसरे सॉफ्टवेयर को आप क्रैक करते हैं तो कभी कभी उसमें ऑप्शन आने लगते हैं नेट पर कनेक्ट करने के लिए, तो आप उसको कैंसल पे या क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। और फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और ये देखिए सॉफ्टवेयर क्रैक हो चुका है, अब मैं इसको पूरे तरीके से यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूँ, इस फाइल को सेव भी कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। फाइल नेम दे देते हैं AK क्वालिटी, यहाँ से आप सब कुछ बहुत सारी इसमें ऑप्शन है, आप कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर कैसे क्रैक करते हैं। तो ओके पर क्लिक करते हैं और ये हमारा रेंडर होने लगेगा और ये फाइल रेंडर हो चुकी है, ये रही AVI फाइल। ये देखिए इसमें से एनिमेटेड वीडियो मैं बना सकता हूँ। और बिना कोई ट्रायल के, इसके अलावा आप किसी और तरीके से अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करते तो इसके पीछे ट्रायल लिखा हुआ जाता और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में
मिल चुका है। कोई भी तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, यदि आप इसका ट्रायल वर्जन भी यूज़ करते हैं ना, तो पीछे ट्रायल लिखा हुआ आता। मैंने तो 10 दिन तक इसको यूज़ किया, इसमें पीछे ट्रायल लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन मैंने ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इसलिए डाउनलोड किया था कि आपको दिखा सकूँ किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें 10 दिन का ट्रायल वर्जन था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसके अलावा, अगर आपको ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी किसी सॉफ्टवेयर में, वैसे तो मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर में अभी तक की ट्रायल किया है, ये ट्रिक जरूर काम की है, और मुझे आशा है कि बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये ट्रिक जरूर काम करेगी। लेकिन फिर भी यदि आपको ये ट्रिक कभी काम ना करे, तो आप मुझे कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत आ रही है क्रैक करने में, मैं उसको क्रैक करने में आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और दिक्कत होने पर जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।